वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं कटहल की, जो बीज होते हैं अंदर उसी की सब्ज़ी बना रहे हैं। कटहल की सब्ज़ी तो सभी खाते हैं मगर बीज सभी को पसंद नहीं होते, तो बहुत से उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, बीज जो कटहल के अंदर बीज होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो चलो आज उसी बीज से हम सब्ज़ी बनाएंगे, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत अच्छी भी लगती है उसकी सब्ज़ी बनाने पर। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कटहल के जो बीज निकाल के रख लिया और इसको हम क्या करेंगे, 2 मिनट बॉईल करेंगे। जो इसमें जो छिलके होते हैं वो वैसे तो टाइट रहते हैं निकालने पे, और जो हम गर्म कर लेंगे 2 मिनट तो इसके आसानी से छिलके निकल के बाहर आ जाएंगे। तो चलो 2 मिनट का मैं इसको गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट हो गए और 2 मिनट के बाद देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे छिलका निकलना शुरू हो गया और इस जो बचे हुए जो हमारे जो कटहल के बीज है उसके भी हम छिलके निकाल लेंगे। थोड़ा गर्म है अभी तो थोड़ी देर ठंडा करेंगे, देख सकते हैं इसके आसानी से छिलके निकल के बाहर आ जाते हैं। ये देखिए दो पड़त होता है, एक थोड़ा मोटे का होता है एक थोड़ा बारीक छिलका होता है, तो इसको हम गर्म है ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी कटहल का हमने छिलके निकाल लिए, देख सकते हैं और आराम से छिलके निकल गए। तो यहाँ हमने कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया, पहले से ही गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तो कढ़ाई में डाल देते हैं, फ्राई करेंगे। 2 मिनट इसको फ्राई करने में जाएगा हमारा, तो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं, 2 मिनट यहाँ फ्राई करने में ले लेंगे और यहाँ थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। जैसे फ्राई होगा तो इसका जो हमारा नमक का टेस्ट अंदर तक चले जाएगा, तो इसको नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर 2 मिनट हो चुकी है और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया हमने, और अब निकाल लेते हैं हम प्लेट में। यहाँ पर कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया और 2 छोटे तेज़पत्ते यहाँ पर टुकड़े डाल देते हैं हम। यहाँ पर 2-3 काली मिर्च ली है वो भी ऐड कर दें, 2 ग्रीन इलायची है वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर राई डालेंगे, जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर सौंफ ऐड करेंगे, और यहाँ पर कुछ लिए हमने ग्रीन मिर्ची काट कर लिए, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक का किस के रख लिया, 2 टमाटर लिए। तो चलो मिर्ची डाल देते हैं हम, लहसुन भी डाल देंगे, अदरक का जो हमने किस के रखे वो डाल देते हैं, इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं हमारी मिर्ची भी अच्छे से, और यहाँ लिया हमने 2 मीडियम साइज के प्याज, उसको चॉप कर लिया है छोटे छोटे, यहाँ पे हमने तो यहाँ ऐड कर देते हैं इसको भी, और थोड़ा ब्राउन कलर इसको आने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मसाला, हमारे जो प्याज है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अच्छे से पक गए। तो यहाँ पर मसाला ऐड कर देते हैं, 1.5 चम्मच यहाँ पर मिर्ची पाउडर लेते हैं, रेड मिर्ची डालेंगे 1.5 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पर, 1 चम्मच थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे इनको। थोड़ा सा यहाँ पर पानी और ऐड करेंगे तो हमारा मसाला अच्छे से पक जाए, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं हम, और घुमाते हुए सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम टाइप का जो टमाटर लिए थे मीडियम, वो कट करके रख लिया, तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। इसको भी 2 मिनट सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तो अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट लग जाएगी हमारे टमाटर सॉफ्ट होने में, तो पका लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो यहाँ हम मलाई डालेंगे थोड़ी सी, हमने जो दूध में से मलाई निकाली है तो वो डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह मलाई नहीं हो तो इसकी जगह आप थोड़ा सा दही ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम मलाई को भी मिक्स करेंगे, इससे हमारी सब्ज़ी में स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो दही ऐड कर सकते हो, और इसको भी आप थोड़ा सा और पकाएंगे 2 मिनट। तो हमारा मसाला देख लेते हैं, हम मलाई डाल दी, और मलाई डालने के बाद देख सकते हैं साइड में घी छोड़ दिया है इसने, तो अच्छे से पक गया हमारा मसाला। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जो हमारे कटहल के बीज बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है मसाला में। तो कटहल के बीज हम डाल देते हैं, कुछ टुकड़े कर लिए हमने कटहल के और कुछ साबुत है, तो चलो इसको भी ऐड कर देते हैं हम और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, तो ढक के पका लेते हैं इसको। मिक्स कर दिया और ढक देते हैं हम, 5 मिनट के बाद मिलेंगे। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला,
ये देखिए, और इसको करेंगे मिक्स और हम यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, तो चलो सर्व कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने सर्व कर दिया, बिल्कुल दिख रही है ना हमारी काजू की जैसी सब्जी, बिल्कुल काजू से तो कम नहीं है हमारी कटहल के बीज की सब्जी। तो इस कटहल की सब्जी को ज़रूर बनाइए, इसी से घुटना और हमारी जो कमर दर्द होता है वो बिल्कुल भी गायब हो जाएगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा इस सब्जी से खाने से। तो सीजन में इसको एक दो बार ज़रूर बनाए, इस सब्जी को बनाएंगे तो आप कटहल बार बार मिलाएंगे और इसके बीज निकाल के रख देंगे, एक भी बीज इसका वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगे एक बार बनाना ज़रूर, अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।